और बाला साहब ठाकरे जिनकी आज जयंती भी है, वो हिंदू हृदय सम्राट, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। और आज जो यहाँ पर ये बरका धाम दरबार लगा है और सबको सम्मानित जो किया गया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम में हो सकती है कि जो काम नहीं होते हैं वो परमात्मा के नाम से होते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई, सुंदरकांड में लिखा हुआ है। परमात्मा के नाम में हो सकती है, आग भी शीतल हो जाती है। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए थे तो उनकी पूंछ में आग लगाई थी, भगवान के नाम से वो भी शीतल हो गया था। समुद्र जो था छोटे से नाली के समान, एक गऊ का खुर होता है, इतने पैर होता है, उसके समान समुद्र बन गया था। परमात्मा के नाम से जहर भी अमृत हो जाता है। मीरा को जहर पिलाया था, परमात्मा का नाम लेकर परमात्मा का चिंतन करके जहर पिया तो अमृत हो गया था। जो काम नहीं होते हैं, जो रास्ते रुके होते हैं, दसों दिशाओं को हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने का कलिकाल कलयुग में आज के समय में अगर कोई शक्ति है तो परमात्मा का नाम है। भाय कवाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। और दर्शक आप सबको दिखाने के लिए थोड़ा सा ही किया था कि मंत्रों में ये शक्ति है, भगवान के नाम में ये शक्ति है, किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को बुरा ना लगे सबके सामने कि मेरी थोड़ी इंसल्ट हो रही है, मैं ये चाह रही हूँ, ये मांग रही हूँ, ये हो रहा है। तो इसलिए नहीं, मैं सब कुछ बड़े तरीका से ही बता देता हूँ, उनसे भी अच्छी प्रकार से बता। हमारे शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत अच्छे पत्रकार भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी, एक्टर भी है, ऐसे तमाम दोस्तों के ग्रुप की तरफ से अगर मुझे ये अवार्ड मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है। सम्मान हर कलाकार को प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है, उसके अंदर जोश भरता है कि कुछ नया करे। तो अभी हमारी जो आने वाली फिल्म है गाली गलौज, इसके लिए जो आशीर्वाद मिला है, जल्दी OTT पर रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का नाम गाली गलौज ज़रूर है लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, वो गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है कि जो हमारे सोशल मीडिया पर आजकल गाली गलौज होता है वो नहीं होना चाहिए, पारिवारिक चीज़ें बननी चाहिए। ये एक इसमें मैसेज है। मेरा नाम सुनील पाल है, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज मुझे एक्टिंग करते करते 49 साल 1 महीने 7 दिन हो गए, ये मेरी गोल्डन जुबली ईयर है। 50 साल बाद में मुझे लोग मतलब यानी क्या क्या मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे वो मैं ही जान सकता हूँ। और आज का दिन मेरे लिए इतनी शुभ है कि राधे राधे बाबूजी के सामने, बाबूजी के हाथों से मुझे अवार्ड दिया गया है। ये मेरी बाबूजी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनके दर्शन मात्र से आदमी का उद्धार हो जाता है। वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं और जिनके बारे में भविष्यवाणी की, जिनके बारे में जो सोचा वही हुआ। सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगी, राधे राधे बाबूजी को, एंड उनके हाथ से अवार्ड मिला है। आई एम वेरी लकी, थैंक यू सो मच। तो क्या कहना चाहेंगे मैम, यहाँ पे कुछ जादू जैसा है कार्यक्रम किया गया था, वो कैसा लगा और अवार्ड गुरु जी के हाथ जो है अवार्ड मिला है, कितना खुशी होती है? देखो जादू देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, मन कर रहा था 1-2 घंटे बैठ के और देखे बट समय नहीं था, और अवार्ड मिला है राधे राधे जी के हाथ से तो काफ़ी खुशी है, बहुत खुशी हुई है अवार्ड मिल के। और पहली बार मिली हूँ राधे राधे गुरु जी को, वैसे पॉजिटिव एनर्जी फील तो हो रही है मुझे, आगे एक बार और मिलने की चाहत रहेगी उससे, फिर पता चलेगा। नरेंद्र जी ने आपको अवार्ड से नवाजा है, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र जी? उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, और वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने मीडिया को और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और एवरी ईयर उनका अवार्ड फंक्शन होते ही ऑलमोस्ट। मैं राधे जी महाराज सबसे पहली बार मिला हूँ, काफ़ी नाम सुना है इनका और सौभाग्य मुझे पहली बार मिला, और उनका मतलब जो हमने उनसे सुनी शास्त्र की बातें अच्छी लगी, और ये हर हिंदुस्तान को गर्व करना चाहिए कि इन्होंने जो बातें बताई हमारे देश को ऊँचे ले जाने के लिए, और हमारे लिए गर्व की बात है। महाराज जी के हाथों ये मुझे मिला है ट्रॉफी, और मैं बेहद खुश हूँ उनसे मिलके, क्योंकि मुझे उनसे मिलने की इच्छा थी, तो देखिए आज मेरी इच्छा भी पूरी हो गई और मैं मिली भी उनसे और अवार्ड भी मिला मुझे। हाँ जी, गुरु जी ने जो भी बताया, जो मैंने लिखा था, जो मतलब सच था जो भी उन्होंने बताया है, मतलब चुपके से लिखना था, लिख कर उन्होंने बोला फोल्ड करना, मैंने फोल्ड किया और रख दिया, तो जो भी था मैंने लिखा था, जो मेरा मतलब सही था वो। तो आपके मन की बात बता दी गुरु जी से, आप हाँ पूरे सहमत? हाँ जी, पूरे सहमत। थैंक यू। पहले तो मैं नरेंद्र शर्मा जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया,
राधे राधे बाबूजी से आज स्टेज पे मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ क्रिया भी की और इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट क्रिया। मैं काफ़ी प्रभावित हुई उनसे और अच्छी बात ये थी कि मेरा ये मानना है कि हम हर एक इंसान ये चाहता है कि वो अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ करे, अपने परिवार को खुश रखे, जिसके लिए वो अपने अपने हिसाब से मेहनत करता है। मैं तमाम भारत की फिल्मी हस्तियां पधारी हैं और जो करिश्मा ही नहीं प्रकृति और भगवान का एक सीधा सा अनुकंपा रूप है जो आज देखने को मिला, क्योंकि सामने वाले के मन में क्या है उसे जानने के लिए या तो परमपिता परमात्मा ही बता सकता है या उसका दिया गया कोई अवतार। तो साक्षात आज बरकाधाम आश्रम के हमारे महाराज श्री बाबूजी, उनकी कृपा है कि उनके ऊपर परमपिता परमात्मा ने ऐसी असीम कृपा दी है कि वो किसी का भी मन में सोची हुई बात को बता देते हैं और ये आज सभी ने देख के इसको सराहा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।